हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज का ये जो वीडियो है आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम कुछ अलग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप जैसा थंबनेल पे देख रहे हो कि रेलवे अपेंडिक्स ईस्टर्न रेलवे, जिसमें आपको बताया गया है कि 10th में 47, जी हाँ आप सही सुन रहे हो कि बिलो 50, मतलब 50% से कम होने के बाद भी 47, 48 या फिर आप बोल सकते हो 46% पे भी यहाँ पे कैंडिडेट का ज्वाइनिंग लिस्ट में नाम आ गया है। जी आप सही सुन रहे हो, हम बात कर रहे हैं ईस्टर्न रेलवे अपेंडिसशिप का फाइनल ज्वाइनिंग लिस्ट के बारे में, जिसमें 10th में 47% होने के बाद भी कैसे आखिर इसका सिलेक्शन हो गया, इस कैंडिडेट ने ऐसा क्या किया था जो आप लोग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल देख रहे हैं, और आपको यहाँ पे शो भी हो रहा होगा कि 47.83% पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी इनका जो ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो मेरिट लिस्ट आता है उनमें भी इनका नाम आपको देखने को मिलेगा। सारी डिटेल हम दिखाएंगे वीडियो का आगे आपको। तो चलिए वीडियो को फटाफट करके शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर दीजिए, ताकि इसी तरह वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये पूरा माजरा क्या है और कैसे 47% होने के बावजूद भी इनका ज्वाइनिंग के मेरिट लिस्ट में नाम आ गया। तो हम देखिए ईस्टर्न रेलवे का जो ज्वाइनिंग आ गया था, ज्वाइनिंग का मेरिट जमालपुर डिवीजन से 30 सितंबर के डेट में रिलीज किया गया था। आप देख सकते हैं कि ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, जिसमें आपका रिजल्ट फॉर एक्ट अपेंडिसशिप फॉर द जमालपुर डिवीजन 20 और 21 सेशन का यहाँ पर रिजल्ट है। इससे आपको क्या बोलोगे सर, इसमें क्या सारा आपका जो वीडियो का पूरा सारा निचोड़ है, इसी आपको एक मेरिट में देखने को मिलेगा। जिसमें अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए 20 और 21 के सेशन में आपका अपेंडिसशिप आया था और टोटल 1190 पोस्ट पे आया था। जिसमें अगर बात करें कि 1.5 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया था, मतलब 1781 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें मात्र 433 कैंडिडेट ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पार्टिसिपेट किए, और यहाँ पे 406 कैंडिडेट को सूटेबल पाया गया, वहीं 27 कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया। टोटल वैकेंसी कितना खाली रह गया, 784 वैकेंसी खाली रह गया। चलिए स्क्रॉल करके जब नीचे बढ़ते हैं तो ये हमारा फाइनल लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग जमालपुर की तरफ से रिलीज किया गया था, जिसमें आपका आसनसोल, मालदा और स्वयं आपका जमालपुर तीन यूनिट शामिल है। अगर यहाँ पे आप देखोगे कटअप के सेक्शन पे, हम आपको ले जाए थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। देखिए यहाँ पे अगर हम कटअप सेक्शन पे बात करें और ये सारे कैंडिडेट सूटेबल है, 406 कैंडिडेट का लिस्ट है और 406 में 406 कैंडिडेट ही सूटेबल हैं, और जो रिजेक्टेड लिस्ट है उसके रिगार्डिंग तो आपको ऑलरेडी मैंने वीडियो प्रोवाइड कर दिए, नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहां आपको लिंक मिल जाएगी। अगर यहां पे बात करें कि 406 में से कट ऑफ, आप देखिए कट ऑफ आप सभी को पता है कि दिन पे दिन चाहे रेलवे का कोई भी डिवीजन, ऑल ओवर इंडिया से कोई भी अपेंडिसशिप हो, कट ऑफ दिन पे दिन आपको हाई देखने को मिल रही, लो होने का तो कोई चांस ही नहीं है। यहां पे अगर बात करेंगे सबसे पहले फीटर का आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें आपका 77% पे कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं। अगर वहीं पे हम बात करेंगे कौन सा कैटेगरी है, कैटेगरी आप देख सकते हो अनरिजर्व से, ठीक है। चलिए और वो भी हम दिखाएंगे जहाँ पे आपका 10th में 47-48% पे सिलेक्शन हुआ है, सीधे हम आपको उस पेज पे लेके चल सकते हैं। तो पेज नंबर हमको कितने पे जाना है, पेज नंबर हमें जाना है 9 और 10 पे। तो चलिए पेज नंबर हम 9 और 10 पे चलते हैं फटाफट, और आपका जो भी डाउट है उसे क्लियर करेंगे कि हालांकि ऐसा हुआ कैसे। तो देखिए हम आ गए फाइनली आपका पेज नंबर 9 पे, और पेज नंबर 9 पे आने के बाद आप जब इसको स्क्रॉल करोगे, जब इसको जूम आउट करोगे तो आपको यहाँ पे सारा जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए कहाँ पे आपका सिलेक्शन का जो यहाँ पे बताया गया है, ये देखिए ये आपके सामने है। यहाँ पे देखिए एससी कैटेगरी से हैं और देखिए 46.71% पे इनका मेरिट में नाम आ गया है। ऐसा कैसे हुआ, देखिए तो ये जो ट्रेड है ये वेल्डर, गैस और इलेक्ट्रिक से। तो आप सभी को पता है कि टोटल यहाँ पे अगर बात करें कि अगर वेल्डर कैटेगरी, वेल्डर ट्रेड से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो रेलवे के किसी भी जोन से, किसी भी डिवीज़न में, तो आपको यहाँ पर बोला गया है कि अगर आप सिंपल 8 पास हो, ठीक है, तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इसीलिए आपका 8 का जो मार्क्स है वो कंपलसरी कर दिया गया। जी हाँ, अगर आपका पास 8 का सर्टिफिकेट और बात करें रिजल्ट नहीं है तो आप वेल्डर ट्रेड से फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, ये कंपलसरी कर दिया गया। और ये जो आपका यहाँ पे दिख रहा है कि 10th में आपका 46.71% होने के बाद भी सिलेक्शन हो गया, ऐसा कैसे, तो ये आपका 10th का नहीं, यहाँ पे चूंकि 8 का मार्क्स यहाँ पे पुट किया गया 46.71%, और यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि अगर आपका 8 से आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो 8 से आपका 50% से अगर कम है तो आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं बोला गया। सिर्फ ये टर्म्स है, कंडीशन लागू होता है 10th लेवल पर। अगर 10th से आप ITI के लिए, सॉरी अपेंडिसशिप के लिए अप्लाई करोगे तो आपका 50% से अगर कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, पर वहीं अगर आप 8 के
क्लास से अप्लाई करोगे वेल्डर ट्रेड से, तो आपको यहाँ पे ऐसा टर्म्स कंडीशन देखने को नहीं मिल रहा कि 8 में चाहे आपका कितना भी परसेंट हो, बात करें 40% 45%, तो आप इसके लिए एलिजिबल होगे और सिंपल सा इसका फॉर्म अप्लाई कर सकोगे। तो इसीलिए इनका 46.71% में भी सिलेक्शन हो गया। ऐसा डाउट एक कैंडिडेट को आया था जिन्होंने वो व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज किया, सेपरेटली मुझे मैसेज किया और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा डाउट है। तो उन्होंने कहा कि सर एक वीडियो के माध्यम से बता दिए, क्योंकि बहुत सारे का ऐसा डाउट हो सकता है, तो उन्हीं के रिगार्डिंग आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 46%, ये 10th का मार्क्स नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ ये 10th का मार्क्स नहीं है, ये आपको 8 का मार्क्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो 8 में 50% से कम है, 40% है, 35% है, 45% है, जितना भी परसेंट है आप इसके लिए एलिजिबल होगे। इसमें कोई भी आपको बाउंडेशन देखने को नहीं मिलता है, बाउंडेशन देखने को मिलता है सिर्फ आपका 10th मार्क्स पे। 10th में अगर 50% से कम है तो आप सिंपल सा, बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे अपेंडिसिप ऐसे होते हैं जिसमें आप एलिजिबल नहीं होंगे। एक दो एग्जांपल आपको और देते हैं, अगर स्क्रॉल करके और भी नीचे बढ़ेंगे तो देखिए एक केस आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा जिसमें आपका मात्र 47% है, 47.83, और जो वेल्डर का जो मेरिट बनेगा वो 10th लेवल पे ही बनेगा। जी हाँ, सॉरी, वेल्डर का जो मेरिट बनेगा वो आपका 8 लेवल पे बनेगा, 8 का आपका मार्कशीट के आधार पे आपका बनेगा, 8 प्लस ITI के आधार पे बनेगा, बाकी जितने भी ट्रेड हैं सभी का 10th प्लस ITI के आधार पे बनेगा। पर वेल्डर का यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी बताया गया है कि आपको 8 प्लस ITI का जो एवरेज स्कोर आएगा उसके अनुसार आपका यहाँ पे मेरिट बनाया जाएगा, क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको बताया गया है। ठीक है, वेल्डर को छोड़कर बाकी जितने भी है सभी 10th प्लस ITI, और वेल्डर एक ऐसा ट्रेड है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन कम से कम 8वीं प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, तो ही आप यहाँ पे वेल्डर के लिए एलिजिबल होंगे। इसीलिए आपका 8 प्लस ITI के आधार पे आपका जो फाइनल मेरिट में नाम है, एवरेज स्कोर है, उसके आधार आपका सिलेक्शन किया जाएगा। चलिए एक दो और यहाँ पे है, वो भी हम जरूर से जरूर आपका दिखाएंगे। एक पेज नंबर आपका 18 में, तो पेज नंबर आपका 18 आपको लेके चलते हैं और वहाँ पे भी हम दिखाएंगे कि फाइनली कितना कम होने के बावजूद भी जो सिलेक्शन का प्रोसेस है उनमें इनको सेलेक्ट किया गया। तो आप भी अगर अप्लाई करना चाहें तो अगर 8 का आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, 8 के आधार पर अगर आप अप्लाई करिएगा तो जरूर से जरूर आपका हो सके तो सिलेक्शन होगा। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे देखिए आपको एक केस और मिलेगा जिसमें आपको 48.38% आपको यहाँ पे शो हो रहा, और ऑल ओवर बात करें तो 70% पे इनका सिलेक्शन हो गया और सुटेबल भी यहाँ पे पाए गए। ज्वाइनिंग का लिस्ट है 2021 सेशन वालों का ईस्टर्न रेलवे के जमालपुर वर्कशॉप की तरफ से। चलिए एक आपको और दिखाते हैं जो आपका पेज नंबर 19 में है। देखिए पेज नंबर 19 में है और आपको यहाँ पे देखने को आएगा, यहाँ पे एक और आपका मिलेगा जिसमें आपका कितना बताया गया 42 पे, देखिए 42 पे सिलेक्शन हुआ है। तो देखिए जब 8 लेवल पे आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो कंपटीशन ऐसे ही कम हो जाता है, क्योंकि आपका वेल्डर वालों का 8 के आधार पे ही मेरिट बनता है। तो आई होप आज की वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि अगर वेल्डर से आप हैं तो खास कर ये जानकारी आपके लिए थी। हम आई होप आशा करते हैं कि ये वीडियो जो आपका है बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। वीडियो को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन करके, मिलेंगे आपसे नई जानकारी नए इन्फॉर्मेशन के तहत। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।